पहलुए पे सीबीआई जांच की मांग होना चाहिए और सीबीआई जांच होना चाहिए। एक नेता मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री की बेटी होती तो उनको 24 घंटे के अंदर जो अपराधी था उनको थाने में घसीट के लाया जाता। तो ये बोला जाता है कि तुम हाजिर करो, जब तक तुम हाजिर नहीं करोगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग योगी तक जाएंगे, पोर्टल करेंगे हर जगह, योगी आदित्यनाथ तक जाइएगा। हाँ जाएंगे हम लोग, बिल्कुल जाएंगे। थाना में हूँ और आकांक्षा दुबे के न्याय दिलाने के लिए सारे लोग धरना पे थाना पे बैठे हुए हैं। आकांक्षा दुबे के कुछ गांव वाले और समर्थक हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर में आकांक्षा दुबे को कब तक न्याय मिल जाएगा। तो क्या लग रहा है कि आकांक्षा दुबे को कब तक न्याय मिल जाएगा? डेट हुए उसको लगभग 6 दिन हो गया, अभी तक कोई पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया। और यहाँ पे आए तो यहाँ पे आश्वासन दिया गया कि 2 दिन में गिरफ्तारी की जाएगी और पुलिस तरफ से हम लोग को आश्वासन दिया गया है, अब वही वेट कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है भैया कि आकांक्षा दुबे को न्याय मिल जाएगा जल्द से जल्द? अब देखिए, उत्तर प्रदेश के पुलिस पे तो इतना हमें भरोसा नहीं रहता है, कब से कब किसे क्या कर दें कोई ठीक नहीं है। मैं तो यही राय दूंगा कि इस पहलुए पे सीबीआई जांच की मांग होना चाहिए और सीबीआई जांच होना चाहिए। हाँ, सीबीआई जांच। अब बताया जाता है कि यूपी के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी वो बुलडोजर चलवा देते हैं अपराधी के घर पे, लेकिन अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। यही नॉर्मल फैमिली से अगर ये अपराधी रहता है तो उसके परिवार को पूरा उठा लाया जाता है, उसके एक एक बच्चे तक को उठा लिया जाता है, उसके घर का कुर्की तक हो जाता है और उससे ज़्यादा तक जो भी होता है उसके सब कुछ हो जाता है, उसके हितनाथ तक उठा लिया जाता है। आज ये पवन सिंह, ये जो है कि समर सिंह सिंगर हैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बता दें कि यही एक नेता मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री की बेटी होती तो उनको 24 घंटे के अंदर जो अपराधी था उनको थाने में घसीट के लाया जाता। सही बात है भैया? हाँ सही बात है ना? जी बिल्कुल। आप कहें नहीं, आप कहें नहीं, यही जो आप सुनिए, आप सुनिए, हम देखिए भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं। सुनिए हमारा कहने मतलब ये है कि अगर कोई आम आदमी रहता तो उसके हित नाते रिश्तेदार सबको उठा के ले जाता और उसको ये बोला जाता कि तुम हाजिर करो, जब तक तुम हाजिर नहीं करोगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। यानी कि बड़ों का बात माना जाएगा और उन्हीं को न्याय मिलेगा। जो दबंग है, जो दबंग है जिसके ऊपर बड़े बड़े नेता मंत्री का हाथ है, उसको न्याय मिलेगा। हाँ, उसको न्याय मिलेगा। और जो छोटे गरीब परिवार मजदूर है उनको न्याय मिलेगा। आज 6 दिन हो गया, अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ। तो क्या लगता है क्या गिरफ्तारी होगा? आश्वासन दिए हैं, आश्वासन दिए हैं। हाँ, ये 2 दिन में अंदर गिरफ्तारी करेंगे। आपसे पर्सनल बात हुआ? हाँ बात हुआ, हम लोग बात हुआ। हाँ भैया, अभी यहाँ आए हैं धरना के लिए जी, क्या लग रहा है? उम्मीद लग रहा है कि न्याय मिलेगा, अब लग रहा है जी। हा? जो भी कातिल है उसे बस सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आप आकांक्षा दुबे गाँव वाले हैं? नहीं, हम बनारस के हैं। अच्छा, उनका जो बिहेव था, आप तो गाँव वाले हैं, चाहे बनारस के हो उनके जिला से आते हैं, उनका बिहेव बर्ताव कैसा था? जी हमें ये नहीं पता। जी नहीं मिले है कभी? नहीं मिले। आप मिले हैं भैया उनसे? हाँ, आकांक्षा दुबे से मैं शूटिंग में मिला हूँ और उनका बिहेव अच्छा था। कभी किसी के प्रति गलत मानसिकता नहीं था और अच्छा बिहेव था। बिहेवियर के मामले में अच्छी लड़की थी वो, और उसके साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। हाँ, उसके साथ गलत हुआ है। बाकी इन लोगों का भी न्याय होना चाहिए और सीबीआई जांच होगी तभी उसका ओरिजिनल न्याय मिलेगा, नहीं तो अन्यथा यूपी पुलिस में मुझे गारंटी नहीं है। अच्छा, अगर ये पुलिस न्याय नहीं दिलाती है तो आप कहाँ तक जाएंगे? हम लोग योगी तक जाएंगे, पोर्टल करेंगे हर जगह। योगी आदित्यनाथ तक जाइए? हाँ जाएंगे हम लोग, बिल्कुल जाएंगे। वहाँ तक भी जाएगा। एसपी साहब आश्वासन दिए, 2 दिन देख लेते हैं, अगर 2 दिन नहीं होता तो हम लोग माननीय योगी आदित्यनाथ तक जाएंगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग न्याय के लिए मांग कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हम लोग का यही उम्मीद है कि जो भी यहाँ के पुलिस प्रशासन है आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाए और इनकी माँ जो कि रो रही है और तड़प रही है उनको न्याय दिलाए। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपसे तमाम दर्शकों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।